राजस्थान में कांग्रेस की रैली में उमड़ा भयंकर जनसैलाब, भीड़ देख भाग खड़े हुए भाजपा वाले। जी हां, आपको बताया चले कि आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद देश में पहला चरण 19 अप्रैल से होने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। कांग्रेस की तरफ से धुआंधार रैली और रोड शो किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान में एक कांग्रेस के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि लाखों की तादाद में जनता जनार्दन कांग्रेस पार्टी को सुनने के लिए पहुंची पड़ी थी। इससे तो यह साफ हो गया कि आने वाले समय में कांग्रेस के द्वारा बहुत बड़ा कारनामा हो सकता है। जिस तरीके से जनता जनार्दन कांग्रेस को सुनने के लिए मैदान में भरी हुई नजर आ रही है, इससे यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी बल पर सरकार बनाते हुए भी नजर आने वाली है। फिलहाल जिस तरीके से तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता कल राजस्थान में मौजूद रहे, सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के आला कमान के दिग्गज नेता भी कल मंच साझा करते हुए नजर आए। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है और भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रही है, आने वाले समय में कांग्रेस के पक्ष में क्या नतीजा होता है, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा 4 जून का, जिस दिन नतीजा आएगा और सबको पता चलेगा कि इस बार देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट। दो दो मुख्यमंत्री जेल में हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। सारी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सब न्योता देके वो निमंत्रण देके ले रहे हैं, और अचानक उनकी पार्टी में जाते ही स्वच्छ हो जाते हैं, कोई उनके बारे में सवाल नहीं उठाता। तो ये बहाना है, ये पूरा बहाना है कि इनकी दुनिया सक्षम रहे, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, इनकी, और वो भी गिने चुने उद्योगपति हैं, सारे उद्योगपति नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो देश के लिए दिन रात काम करते हैं, जो रोजगार बनाते हैं। इनके जो गिने चुने मित्र हैं उनको सारी संपत्ति सौंपी जा रही है, ये उन दूसरे उद्योगपतियों के साथ भी अन्याय है। तो ये पूरी जो परिस्थितियां हैं देश की, इनको समझने की बहुत खास जरूरत है। आज आज जो आप वोट डालने जा रहे हैं वो वोट इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहा है। अब ये बात आपने बहुत सुनी होगी और कभी कभी आप पूछते भी होंगे कि भाई कैसे हमारा लोकतंत्र असुरक्षित कैसे है। तो ये असुरक्षित इसलिए है क्योंकि जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं और जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं, उनको कमज़ोर किया गया है, उनका गलत तरह से इस्तेमाल हो रहा है। आज ये नौबत आ गई है कि जनता को ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है। जनता ये भी नहीं जानती कि अगर वोट डालेंगे तो क्या हमारा वोट सही तरह से डलेगा कि नहीं। तो इन परिस्थितियों के बीच जो हमारा न्याय पत्र है, इसमें हमने कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जो हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम आपके लिए करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण ये है कि हमने प्रदेशों में करके दिखाया है। जिन प्रदेशों में हमारी सरकार रही उनमें राजस्थान भी था। आपने देखा कि राजस्थान में किस तरह से जो स्कीम